हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेहान और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रेहान ऑटोमोबाइल में। तो आप सबका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट था कम बजट में, 1 लाख से 1.25 लाख के आसपास में, कि कोई कार होगा तो बतलाइए। और इंडिका विस्टा को लेकर के आप लोगों का ज़्यादा रिक्वायरमेंट था कि अगर इंडिका विस्टा है तो बतलाइए, उसको पर्सनल भी चलेंगे और इंडिका विस्टा में चल के हम कुछ पैसा भी कमा सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ इंडिका विस्टा, वो भी ये विस्टा डायरेक्ट पार्टी का है और इसी के बारे में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ कि कौन सी साल की है, कितनी चली हुई है, कंडीशन कैसा है, सारा कुछ इस इंडिका विस्टा के बारे में बतलाने वाला हूँ। इसका प्राइस क्या है, वैसे मेरे चैनल पे इस इंडिका विस्टा का ऑलरेडी वीडियो है और उसमें मैंने आप लोगों को इंडिका विस्टा के बारे में सारा कुछ डिटेल से बतलाया है, तो वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। फिर भी आज मैं आप लोगों को शॉर्ट में इंडिका के विस्टा के बारे में सारा कुछ बतलाने वाला हूं और इसका कंडीशन के बारे में बतलाने वाला हूं। और जिन लोगों को ये कार पसंद आएगी वो डायरेक्ट ख़रीद सकते हैं, डायरेक्ट पार्टी का कार है। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले इंडिका विस्टा के बारे में बतलाता हूँ और कंडीशन के बारे में बतलाता हूँ, उसके बाद लास्ट में इसका ऑनर से मिलवाऊँगा और उसका प्राइस बतलाऊँगा आप लोगों को। तो आइए अब मैं आप लोगों को इंडिका विस्टा का सारा डिटेल पहले बतलाता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इंडिका विस्टा का जो प्रोफाइल है कुछ इस तरीके से फ्रंट का दिखता है और यहाँ जो हेडलाइट है काफ़ी ब्रॉड हेडलाइट है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। और इस कार को मैंने रात में ड्राइव किया है और इसकी जो लाइट की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, विज़न अच्छा है, रात में रोड में अच्छे से दिखता है। और यहाँ पर देख सकते हैं टाटा का लोगो है और इस तरीके से इसका ग्रिल आता है, पहले का इस तरीके से डिज़ाइन आता था इंडिका विस्टा का। अब आइए मैं आप लोगों को साइड प्रोफाइल से दिखलाता हूं। आप देख सकते हैं कि साइड प्रोफाइल से इस तरीके से दिखता है विस्टा का जो लुक है। हैचबैक कार है ये, छोटी कार के सेगमेंट में आता है। यहां पे आप बिल्कुल देख सकते हैं इस तरीके का लुक आता है विस्टा का। और इंडिका विस्टा की टायर साइज़ की बात करें तो 14 इंच की इसकी टायर साइज़ आती है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस एग्जैक्ट तो याद नहीं है मुझे, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, दिक्कत नहीं होता है, ज़्यादा लो नहीं है। यानी कि अगर आप छोटे शहरों में भी विस्टा चलाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं है। और बैक साइड से आपको इसका प्रोफाइल दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से आपको बैक साइड में प्रोफाइल मिलता है। और टेल लाइट का जो डिज़ाइन है पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक है और यहाँ पे टाटा का लोगो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिका विस्टा लिखा हुआ है। और इस तरीके से ये TDI है, यानी कि ये TDI इंजन वाला इंडिका विस्टा है। और इसकी लुक आप ओवरऑल देख लिए कि इस तरीके से इसका लुक आता है। अब मैं आप लोगों को इसका इंटीरियर दिखलाता हूं कि इंटीरियर कैसा है इंडिका विस्टा में। तो आइए आप लोगों को इंटीरियर दिखलाते हैं। देख सकते हैं इंडिका विस्टा का इंटीरियर आप लोगों को इसमें कुछ इस तरीके से मिलता है और बैक साइड में भी देख सकते हैं कि इंडिका विस्टा का इस तरीके से आपको मिलता है। और विस्टा की सबसे ख़ास बात मुझे अच्छी लगती है और वो है इसकी सीट कम्फर्ट। जो इसकी स्पेस है ना इंडिका विस्टा में, जो आपको स्पेस मिलता है वो काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है और सीटिंग कंफर्ट बहुत ही अच्छा है इसका। और इंडिका विस्टा के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको AC, पावर स्टेयरिंग और टॉप मॉडल में आपको पावर विंडो भी मिलते हैं, म्यूज़िक प्लेयर मिलता है। तो इस तरीके से ओवरऑल जो बेसिक फीचर्स होता है सारा कुछ इंडिका विस्टा में आपको मिलता है। तो अब मैं आप लोगों को इंडिका विस्टा के इंजन के बारे में बतलाता हूं। तो इसमें आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं और पेट्रोल की माइलेज की बात करें तो 14-15 की माइलेज आपको पेट्रोल में मिल जाएगी और डीजल की माइलेज की बात करें तो लोकल में 17-18 की माइलेज मिलेगी और जब हाईवे में चलेंगे आप तो 18-20 का माइलेज आपको इंडिका विस्टा में आराम से मिल जाएगा। अब डीजल इंजन में दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है TDI इंजन और एक मिलता है कोडरा जेट इंजन। तो शॉर्ट में आप ये समझ सकते हैं कि कोडरा जेट इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो TDI से बेहतर है, चलाने में काफ़ी अच्छा लगता है, उसका जो पिकअप रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा मिलता है हमें, इंजन थोड़ा साइलेंट है और TDI इंजन थोड़ा सा इन कंपेयर टू कोडरा जेट चलाने में थोड़ा कम पिकअप महसूस होता है। और TDI का एक कमी जो मुझे लगता है कि जब इसका हम AC ऑन करके चलते हैं तो पिकअप थोड़ा कम हो जाता है TDI इंजन में। अब बेसिक डिफरेंस आप ये मान ले TDI और कोडरा जेट में आप दोनों खरीद सकते हैं, आज के डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पर्सनल यूज के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि कहीं आपका कॉन्टैक्ट है और आप बीच में पैसा भी कमा सकते हैं, भाड़ा में भी चल सकते हैं, तो आप TDI इंजन को प्रीफर करें क्योंकि इसका मेंटेनेंस कम है इन कम्पेयर टू कोडरा जेट। अब होता क्या है कि आप ये समझ लें कि TDI इंजन का जो स्पेयर पार्ट्स होता है वो थोड़ा सस्ता मिलता है
और उसको रिपेयर करना आसान है। इजी लोकल शॉप्स में भी टीडीआई इंजन को आप रिपेयर बिल्कुल करा सकते हैं। और कोडरा जेट के लिए आपको थोड़ा एक्सपर्ट मैकेनिक चाहिए जो जानकार हो, उसी से आप अपने इंजन को या कार को सर्विस करा सकते हैं तो बेहतर हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैं शॉर्ट में और इजी वे में डिफरेंस बता दिया कोडरा जेट और टीडीआई का। तो अगर आप इंडिका विस्टा लेना चाहते हैं और भाड़ा में भी चलना चाहते हैं तो आप टीडीआई भी खरीद सकते हैं और कोडरा जेट इंजन भी बिल्कुल खरीद सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बतलाता हूँ कि सेकेंड हैंड मार्केट में इंडिका विस्टा मिनिमम कितने तक में मिल सकती है आप लोगों को और मैक्सिमम कितने तक में लेना चाहिए इंडिका विस्टा। तो देखिए ये डिपेंड करता है टोटली कार के कंडीशन के ऊपर कि कंडीशन कैसा है। जैसा कि ये देख सकते हैं कि ये मेरे घर की ही कार है और इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। जब से मैंने ख़रीदा है बिल्कुल कम चलती है, यानी कि महीने में 2-3 बार अगर चलती है तो समझिए बहुत है। और पर्सनल यूज़ है, कभी भाड़ा में नहीं गया है और टाइम टू टाइम सर्विस होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटली डिपेंड करता है कार का प्राइस उसके कंडीशन के ऊपर। फिर भी आप इंडिका विस्टा अगर आप लेना चाहते हैं तो 80,000 से लेकर के 90,000 या 1 लाख या 1.25 लाख तक में अगर आप इंडिका विस्टा खरीदेंगे तो वो परफेक्ट प्राइस है सेकेंड हैंड मार्केट में इंडिका विस्टा के लिए। तो अगर आप इंडिका विस्टा 70,000 में या 80,000 में ढूंढते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी कंडीशन आपको उतनी अच्छी नहीं मिलने वाली है। तो हो सकता है कि आप 1 लाख 1.25 लाख तक में इंडिका विस्टा खरीदें तो आपको कंडीशन अच्छी मिलने वाली है। अब एक बात और गौर करने वाली होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये काफ़ी पुराना है, यानी कि 2009 का है या 10 का है तो इसका प्राइस कम होना चाहिए, या बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 2013 का है, 14 का है या 15 का है तो उसका प्राइस ठीक ठाक होना चाहिए। पर मेरे ख्याल से आप अगर मेरे सजेशन मानते हैं तो आप साल तो ठीक है देखना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कंडीशन देखना। हो सकता है कि आपको 2010 का इंडिका विस्टा मिले जो कम चला हुआ हो, पर्सनल यूज़ हो, भाड़ा में नहीं चला हुआ, उसका कंडीशन अच्छा हो, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा ही। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि इंडिका विस्टा 2014 का है या 15 का है और भाड़ा में चला हुआ है और काफ़ी रफ़ यूज़ किया हुआ है और दिखने में आपको बाहर से ठीक लग रहा है पर उसका कंडीशन अच्छा नहीं है, तो वो चाहेगा कि हम उसको सस्ता में ही कम में निकाल दें। तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल कार का कंडीशन देखें, साल भी देखें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कार का कंडीशन देखें, पेपर देखें, उसके हिसाब से आप कार खरीदें। अगर सेकेंड हैंड में आप कोई कार खरीदते हैं और लेने के बाद जनरल सर्विस कराना पड़े तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप सेकेंड हैंड में कार खरीदते हैं उसमें काम निकल जाता है, अगर 8,000, 10,000, 15,000 उसमें लग जाता है तो उस वक्त काफ़ी तकलीफ़ होती है, ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई गलत कार खरीद लिए। तो इसीलिए जब भी आप कोई कार खरीदे तो बिल्कुल देख के लेने से पहले ही सारा चीज़ सोच ले, ज़्यादा एक्साइटेड होकर के बिल्कुल कार ना खरीदे। तो आइए अब मैं आप लोगों को इसका किलोमीटर भी दिखला देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 51,209 किलोमीटर चला हुआ है जो कि बिल्कुल जेन्युइन चली हुई है और ये पर्सनल यूज़ की कार है। तो चलिए अब इस कार को चला करके देखते हैं कि इसका कंडीशन कैसा है, क्योंकि वो भी करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले स्टार्ट करके देखते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है कंडीशन। अब चलते हैं, इसको चला करके देखते हैं। तो इंडिका विस्टा मैंने पहले भी बहुत बार चलाई है और इसको भी मैंने चलाया है क्योंकि ये मेरे जान पहचान के ही है, तो चलने में तो अच्छा है, मुझे पता है, पर्सनली हमेशा टाइम टू टाइम सर्विस करते हैं और विस्टा चलाने में थोड़ा अच्छा ही लगता है। और ये काफ़ी रोड पकड़ के ग्रिप के साथ चलती है, थोड़ा वेट लगता है, तो इस तरीके से चलाने में इसका कंडीशन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप लोगों को लेना होगा, आइए बिल्कुल देखिए, ड्राइव कीजिए, उसके बाद बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। तो आइए अब मैं आप लोगों को इस कार का ओनर से मिलवाता हूँ। तो यहाँ पे है अजहर भाई, इन्हीं की घर की कार है ये और इन्हीं से आप बिल्कुल कार खरीद सकते हैं। तो मुझे डिटेल पता है इंडिका विस्टा का, अगर इसकी साल की बात करें तो 2009 की है और किलोमीटर की बात करें तो 51,000 के आसपास चली हुई है और बिल्कुल पर्सनल यूज़ कार है। तो इन्हीं से बाकी डिटेल जानते हैं कि ये आपका घर का कार है जी, और सिर्फ पर्सनल यूज़ करते थे या कहीं भाड़ा में भी चलाते थे? नहीं, ये कार पर्सनली यूज़ में बस हम ही लोग चलाते हैं, हम भाई, और कभी भाड़ा वाड़ा में कभी नहीं गया है ये कार। अच्छा, यानी कि घर पे ही चलाते हैं, बड़े भैया चलाते हैं और कभी भाड़ा में नहीं गया है? नहीं।
तो 2009 की है जी। और 51,000 के आसपास चली हुई है और मेरे ख्याल से सेकेंड ओनर है ये गाड़ी। हाँ जी, सेकेंड ओनर, सेकेंड ओनर है। तो इसका प्राइस जानते हैं इन्हीं से, क्योंकि कार तो इन्हीं का है और लेना भी आपको इन्हीं से है। हो सकता है कि इनके बड़े भैया से आपको बात करना पड़े, अभी वो बाहर गए हुए हैं तो इसीलिए इनको बुला लिए हैं। तो इसका प्राइस बतलाइएगा कि भैया कितना बतला के गए हैं। जी भैया बोले हैं इस कार का प्राइस है करीब 1,30,000। और कुछ कम हो जाएगा? हाँ हो जाएगा कम। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को ऑनर से भी इसलिए मिलवा दिया क्योंकि एक ट्रस्ट होना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे ऑनर है साथ में, जब आपको अगर ये कार पसंद आएगा और आप लेना चाहेंगे तो इनके बड़े भैया से आकर के आप मिल सकते हैं डायरेक्ट और ख़रीद सकते हैं। और 1,30,000 प्राइस बतला रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि कार का कंडीशन काफ़ी अच्छा है, चारों टायर न्यू लगा हुआ है और सर्विस सारा कुछ किया हुआ है, कार में कोई खर्च नहीं है, लेने के बाद बिल्कुल लेना है और चलाना है, इसीलिए उनका कहना है कि 1,30,000 प्राइस रखे हैं और जो भी प्राइस होगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें टाइम दिए। ठीक है, ठीक है, आज का डिटेल मैंने आप लोगों को बताया इंडिका विस्टा के बारे में। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं एक और कार को लेकर के, अगर डायरेक्ट पार्टी का होगा तो वो भी, और डीलर का भी वीडियो मुझे शूट करना है। और वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को क्या करना है, आप लोग तो बिल्कुल समझदार हैं, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, हिम्मत मिले कि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो लेकर के आऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल खुश रहें।